गाइज वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज मारिको। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी जी के पोर्ट्रेट पर जारी किए जाने वाले 10 रुपीज के कम्युनिटिव कॉइन के बारे में, जो कि 2012 में जारी किया गया था। तो दोस्तों आज इसके बारे में हम वीडियो में वैल्यू भी बताने वाले हैं और आपको इसको कहाँ सेल करना है और कैसे सेल करना है ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसके आगे कितनी वैल्यू रह सकती है वो भी मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए। चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिक्के के ऑब्जर्व साइड के बारे में। तो ऑब्जर्व साइड में आपको बीच में अशोक स्तंभ नजर आएगा, उसके नीचे सत्यमेव जयते हिंदी में लिखा है और उसके नीचे 10 अंक बना हुआ है। लेफ्ट साइड में हिंदी में भारत और राइट साइड में इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है। बात करते हैं सिक्के के रिवर्स साइड के बारे में। रिवर्स साइड में बीच में श्री माता वैष्णो देवी जी का पोर्ट्रेट बना है और उसके नीचे सिल्वर जुबली लिखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा। और सिल्वर जुबली के ऊपर 2012 भी लिखा हुआ है, ये भी आपको बहुत ही बारीक से देखना पड़ेगा तभी आपको ये 2012 आपको ईयर नजर आएगा। 2012 में इस सिक्के को जारी किया गया था। दोस्तों सिक्के की रिंग है उसमें आप ऊपर के साइड देखेंगे तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हिंदी में लिखा हुआ है और नीचे की तरफ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस सिक्के की बाकी सब चीजें बता देता हूँ। इस सिक्के को 2012 में जारी किया गया था। एल्यूमिनियम और ब्रॉन्ज की इसमें साइड में रिंग है, बीच में जो इसकी प्लेट है वो कॉपर और निकल की है। इस सिक्के का जो वेट है वो 7.71 ग्राम है और इसका जो साइज है वो 27 मिलीमीटर का है और शेप इस सिक्के का सर्कुलर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सिक्का इंडिया के कितने मिंट में जारी किया गया था। दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ मिंट मार्क के बारे में। वैसे तो मैं मिंट मार्क के बारे में हर वीडियो में बताता रहता हूँ, इस वीडियो में बताऊंगा तो शायद थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने आपको बता देता हूँ। मैं पहले भी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ मिंट मार्क के बारे में, अगर चाहें तो आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर देख लीजिए। या फिर हम आगे चल के एक अच्छी प्रॉपर वीडियो भी बनाने वाले हैं मिंट मार्क के बारे में, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, वो देख के आप काफ़ी कुछ समझ पाएंगे क्योंकि मिंट मार्क से वैल्यू तय होती है, उस सब के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो आप जाके मेरी वीडियोस देख लीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये इंडिया के 3 मिंट में जारी किया गया था, जिसमें बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा, इन तीनों ही टकसाल से सिक्का जारी किया गया था। तो दोस्तों जो बॉम्बे मिंट है, बॉम्बे मिंट का आपको मिंट मार्क नज़र आएगा, डायमंड शेप आपको नज़र आ जाएगा जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ऐसे ही जो हैदराबाद मिंट है उसका आपको स्टार शेप नज़र आएगा, वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ गया होगा, ये आप यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार ही आपको नज़र आने वाला है। और जो नोएडा मिंट है उसका बिल्कुल स्मॉल डॉट होगा, बिल्कुल उससे आप पता कर सकते हैं कि ये नोएडा मिंट का कॉइन है। और इंडिया में 4 मिंट है, कोलकाता मिंट भी है जिसका कोई भी मिंट मार्क नहीं होता, लेकिन उस मिंट से सिक्के को जारी नहीं किया गया था। दोस्तों अब मैं आपको इस सिक्के की वैल्यू बता देता हूँ। दोस्तों ये सिक्का कॉमन की कैटेगरी में आता है और 2012 में ही ये सिक्के को जारी किया गया था, इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इस सिक्के को जारी किया गया था इन तीनों ही मिंट से। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अलग अलग मिंट मार्क की अलग अलग वैल्यू होती है, जो अलग अलग टकसाल से कॉइन जारी किए जाते हैं, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, कोलकाता, लेकिन इसको हैदराबाद, मुंबई और नोएडा से जारी किया गया था और इन तीनों ही मिंट मार्क से, इन तीनों ही टकसाल से इस कॉइन को बराबर की क्वांटिटी में जारी किया गया था। इस वजह से इस कॉइन की ज़्यादा वैल्यू नहीं है और जो भी इसकी वैल्यू है वो इन तीनों ही मिंट की बराबर वैल्यू है। तो मैं आपको अब वैल्यू बताता हूँ। ये सिक्का आपके पास फाइन कंडीशन में, वेरी फाइन कंडीशन में और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में अगर आपके पास है तो हो सकता है इसकी कम आपको वैल्यू मिले। इसकी वैल्यू आपको 10 रुपये 12 रुपये तक ही मिल सकती है, इस कॉइन की वैल्यू आपको बहुत ही कम मिल सकती है। लेकिन अगर आपके पास UNC कंडीशन में कॉइन है तो उसकी वैल्यू आपको 15 रुपये मिलेगी, जो कि कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है क्योंकि सिक्का ही 10 रुपये का है, उसकी वैल्यू 15 रुपये मिलेगी। लेकिन आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास अगर 100 कॉइन है तो उसकी अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। एक जो पैकेट है उसके अंदर अगर आपके पास 100 कॉइन है, उसकी जो आपको जो बेचोगे आप, तो उसमें आपको 1500 रुपये मिल जाएंगे, जिसमें 500 रुपये आपका फ़ायदा हो सकता है। और दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप UNC कंडीशन में ही इस कॉइन का कलेक्शन करें, अगर आप कलेक्शन करते हैं तो UNC कंडीशन में ही करें, क्योंकि जब इसकी UNC कंडीशन में इतनी कम वैल्यू है तो नीचे वाले जो कॉइन है इसकी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, वेरीफाइन कंडीशन और फाइन कंडीशन में इनकी बहुत ही कम वैल्यू है। तो आप इसको UNC कंडीशन में ही कलेक्ट करें क्योंकि UNC कंडीशन में आगे जाके थोड़ी अच्छी वैल्यू इसकी हो सकती है। आगे चल के अगर देखा जाए तो 4-5 सालों में भी इसकी कोई खास वैल्यू रहने वाली नहीं है, क्योंकि अच्छी खासी क्वांटिटी में इस कॉइन को जारी किया गया था और UNC कंडीशन में ही जब इस कॉइन की वैल्यू 15 रुपये है, सिर्फ 5 रुपये का इसमें आपको प्रॉफिट मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आगे चल के जो इसकी वैल्यू है वो 20 रुपये तक ही जा सकती है, 5 सालों में 20-25 रुपये तक ही हो सकती है, जिसमें आपको 10-15 रुपये फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ये सिक्के कहाँ पर सेल कर सकते हैं। आप इनको एग्जीबिशंस में सेल कर सकते हैं, एग्जीबिशंस अलग अलग जगहों पे लगते रहते हैं, जिसके बारे में कम्युनिटी पोस्ट के जरिए बता देता हूँ आपको और वीडियो बनाकर भी आपको बता देता हूँ। और दोस्तों मैं एग्जीबिशंस के बारे में ही आपको हर वीडियो में इस वजह से बताता हूँ, कई लोग जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं जो कि वैल्यू जानने आते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है कि हर बार एग्जीबिशंस के बारे में बताता हूँ मैं।
दरअसल बात यह है कि जो हमारे नए व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उन लोगों को भी पता चलते रहे एग्जीबिशंस के बारे में, ताकि वो भी सेल कर सकें, नहीं तो वो पुरानी वीडियोस को ढूंढने में उनको काफ़ी समय लगेगा और हो सकता है वो नहीं देख पाएँ तो इस वजह से, और उनको एग्जीबिशंस के बारे में पता ही नहीं चले। इसलिए मैं एग्जीबिशंस के बारे में हर वीडियो में बताता रहता हूँ। एग्जीबिशन एक सिक्कों का मेला होता है। करेंसी एग्जीबिशंस में आप जाकर करेंसी को सेल कर सकते हैं, जो ओल्ड कॉइन्स होते हैं, ओल्ड नोट होते हैं, ओल्ड बैंक नोट्स को, ओल्ड करेंसी को, फॉरेन बैंक नोट्स, फॉरेन करेंसी को आप सेल कर सकते हैं, जो एंटिक्स होते हैं, और आप वहाँ से जाके बाय भी कर सकते हैं। तो आपको बता देता हूँ, अगर आपको बाय करना है तो भी आप जाके बाय कर सकते हैं। अगर आप कलेक्टर हैं, आप करेंसी का कलेक्शन करते हैं, तो आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सेल कर सकते हैं आप जाकर, वो भी इजी है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, एग्जीबिशंस में जाकर आप सेल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए बता देता हूँ और वीडियो बनाकर भी बता देता हूँ, और लेकिन अभी फ़िलहाल तो जब ये कोरोना पैंडेमिक चल रहा है तो इस टाइम अभी कोई भी एग्जीबिशंस नहीं लग रहे हैं, और मेरे को नहीं लगता कि आगे चल के भी अभी कोई एग्जीबिशन लग सकता है जब तक ये कोरोना पैंडेमिक चल रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे ही कोई एग्जीबिशंस लगता है उसके बारे में मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी बता दूंगा और वीडियो के ज़रिए भी बता दूंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल सकें। और दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करिए और दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और कमेंट करके बताइए मेरे को कैसे लगा ये वीडियो, और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आपको #AskTCC लगाकर हमसे पूछना है। आप #AskTCC लगाइए, हमसे सवाल पूछिए, हम उसकी वीडियो आपको बनाकर ज़रूर दे देंगे। #AskTCC सीरीज़ चलती है हमारी, जिसमें हम आपके क्वेश्चन आंसर्स देते हैं, आपके क्वेश्चंस के हम जवाब देते हैं। तो आपके मन में अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, मिलता हूँ मैं आप सभी से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।